शहर के सबसे बड़े मॉल में वानी और एसआर पिछले 3 घंटे से शॉपिंग कर रहे थे। एक्चुअली शॉपिंग तो सिर्फ वानी कर रही थी, बेचारा एसआर तो पीछे पीछे उसके शॉपिंग बैग्स उठाकर घूम रहा था। उसे अब समझ आ रहा था क्यों वानी ने उससे कहा था, अच्छे से खाना खाओ तुम्हें एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, वरना उसने तो वानी के साथ क्या क्या हसीन सपने देख लिए थे। ये खुखार शेरनी जब देखो मुझे बेशरम कैसो नोवा और ठरकी पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है, और अब खुद देखो मैंने इसे अपने कार्ड की लिमिट क्या बताई, ये भी बाकी लड़कियों की तरह अपनी लिमिट क्रॉस कर गई। क्या ये साल भर की शॉपिंग आज ही करेगी, लालची कहीं की। एसआर फ्रस्ट्रेटेड होकर मन ही मन बड़बड़ाया और फिर वानी से बोला, वानी अब बस भी करो, कितनी शॉपिंग करोगी, हम पिछले 3 घंटे से इस मॉल में ही घूम रहे हैं। वानी जो इस वक्त गर्ल सेशन की ओर जा रही थी एसआर की बात सुनकर उसकी ओर पलटी और उसे घूरते हुए बोली, क्यों क्या हुआ, क्या तुम शॉपिंग बैग उठाते उठाते थक गए। एसआर फ्रस्ट्रेटेड होकर मन ही मन बड़बड़ाया और फिर वानी से बोला, वानी अब बस भी करो, कितनी शॉपिंग करोगी, हम पिछले 3 घंटे से इस मॉल में ही घूम रहे हैं। वानी जो इस वक्त गर्ल सेशन की ओर जा रही थी एसआर की बात सुनकर उसकी ओर पलटी और उसे घूरते हुए बोली, अभी तो ठीक से एक भी दिन नहीं हुआ और तुम अभी से मुझसे परेशान हो गए, एक हफ्ता या फिर पूरी जिंदगी मेरे नखरे कैसे उठाओगे, पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अब क्या हुआ, अगर इतनी प्रॉब्लम है तो चलो इस रिलेशनशिप पर यही फुल स्टॉप लगाते हैं और फिर से बॉस और असिस्टेंट का रिश्ता ही निभाते हैं। वानी की बात सुनकर एसआर तुरंत ही हड़बड़ाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं वानी, ये मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए बोल रहा था बेबी, तुम काफी थक गई होंगी ना, मुंह बनाते हुए वानी बोली। गर्ल्स शॉपिंग करते हुए कभी नहीं थकती, इतनी लड़कियों को डेट करने के बाद भी तुम्हें इतना नहीं पता। मुझे क्या पता यार, मैंने कौन सा उनको शॉपिंग कराने तक डेट किया है, मैंने तो अपना काम निकाला और मैं चलता बना। एसआर धीरे से बड़बड़ाया, उसकी बड़बड़ाहट सुनकर वानी ने उसे घूरते हुए पूछा, कुछ कहा तुमने? नहीं कुछ भी तो नहीं, चलो ना तुम्हारे लिए एक अच्छी सी ड्रेस पसंद करते हैं। ये कहकर एसआर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गया। गर्ल सेशन में आते ही वानी अपने लिए ड्रेस पसंद करने लगी, वहीं आदत से मजबूर एसआर वहां की खूबसूरत सेल्स गर्ल को ताड़ने में बिजी हो गया। ये वाली कैसी है? वानी ने एक ब्लैक कलर की ड्रेस को खुद पर लगाते हुए कहा, लेकिन जब एसआर का कोई रिप्लाई नहीं आया तो वानी ने पीछे मुड़कर देखा। एसआर बड़े आराम से एक सेल्स गर्ल से बातें करने में बिजी था और वो लड़की भी मुस्कुराते हुए उसकी बातों का जवाब दे रही थी। ये देखकर वानी की आंखें छोटी हो गईं और वो एसआर के पास आकर धीरे से उसके कान में बोली, खूबसूरत है ना? बहुत। एसआर उस लड़की की तरफ देखकर ही खोए हुए अंदाज में बोला। ये सुनकर वानी ने अपने हाथ में पकड़ी ड्रेस गुस्से में एसआर के मुंह पर फेंक कर मारी और बोली, तो ये ड्रेस भी उसी को दिला दो, मुझे जरूरत नहीं। वानी की बात सुनकर एसआर होश में आया और सक पकाते हुए बोला, हे वानी, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरे कहने का मतलब था कि ये ड्रेस ज्यादा खूबसूरत नहीं है, मतलब अब तुम ज्यादा खूबसूरत हो। उसकी उस बात पर वानी ने उसे घूर कर देखा और वहां से जाने लगी। ये देखकर एसआर तुरंत उसे रोकते हुए बोला, बेबी रुको, तो तुमने तो अभी तक कोई ड्रेस खरीदी भी नहीं है। मुझे ये अब चाहिए भी नहीं, वैसे भी हमें देर हो रही है, हमें अभी कहीं और भी जाना है। ये कहकर वानी भी आगे बढ़ गई। पर अब जाना कहाँ है, एसआर ने पूछा तो वानी ने उसे एक टेढ़ी स्माइल दी और बिना कुछ बोले वहां से बाहर निकल गई। वहीं एसआर जो पिछले कुछ घंटों में काफी थक चुका था वो वानी की बात सुनकर हैरान था। ये लड़की उसे अब और कहां ले जाने वाली थी, उसने सुबह से तो उसको अपने पीछे पीछे घुमा कर रखा है, अब क्या करने वाली है ये। कुछ समझ न आने पर बेचारे एसआर को भी उसके पीछे पीछे जाना पड़ा और कुछ ही देर में एसआर की कार एक ऑर्फनेज के सामने आकर रुकी। एसआर ने अपने सामने एक बड़े सेनाथालय के गेट को देखते हुए वानी से पूछा, हे हम यहाँ क्या करने आए हैं? अभी पता चल जाएगा तुम्हें, सब्र करो। ये कहकर वानी ने कार का गेट खोला और सारा सामान लेकर अनाथालय के अंदर जाने लगी। ये देखकर एसआर भी उसके साथ अंदर चला गया। अंदर पहुंचकर वानी वहां की वार्डन से मिली और फिर एसआर के साथ मिलकर अपने साथ लाया हुआ सारा सामान बच्चों में बांटने लगी, जिसमें कुछ कपड़े, टॉयज और खाने पीने की चीजें थी, जिन्हें पाकर वहां के सारे बच्चे काफी खुश हो गए थे और वानी उन सबको देखकर खुश थी। तभी एसआर वानी के पास आकर बोला, तुम इतनी देर से सारा सामान इन बच्चों के लिए खरीद रही थी, तुमने खुद के लिए तो कुछ खरीदा ही नहीं। एसआर की बात सुनकर वानी ने एक नजर एसआर की तरफ देखा और फिर अपने सामने खेलते हुए बच्चों की तरफ देखकर बोली, पता है मैं बहुत छोटी थी जब मेरे मॉम डैड इस दुनिया से चले गए, जो नाम के रिश्तेदार थे उन्होंने उनके जाने पर 2-4 दिन दुख जताया,
और मेरे लिए सहानुभूति दिखाई, लेकिन जब मेरी जिम्मेदारी उठाने की बात आई तो सबने मुंह मोड़ लिया। इसे मॉम डैड के जाते ही मैं अनाथ हो गई और एक दिन ऐसे ही किसी अनाथ आश्रम में पहुंच गई। वहां पहुंचकर पता चला वहां की लाइफ कैसी होती है। जो चीजें हमें अपने पेरेंट्स से बिना मांगे आसानी से मिल जाती थी, वही चीजें हमें वहां देखने तक के लिए नहीं मिलती थी। लेकिन कुछ अमीर और बड़े दिल वाले लोगों की बदौलत हमें कभी कभी कुछ खिलौने, कपड़े और कॉपी किताबें मिल जाती थी, तो हमारे लिए वो किसी खजाने से कम नहीं होता था। और ऐसे ही कुछ भले लोगों की मदद से मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाई, और देखो आज मैं अपनी जरूरत खुद पूरी कर सकती हूँ। और अपने जैसे सब बच्चों की तो नहीं, लेकिन कुछ की मदद तो कर ही सकती हूँ ना। और वैसे भी हम सिर्फ एक हफ्ते के लिए रिलेशनशिप पे आए हैं, एक हफ्ते बाद हम अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाएंगे भी या नहीं हमें नहीं पता। हो सकता है हम साथ ना भी रहे, तो बाद में तुम्हारे दिए गए गिफ्ट्स देखकर मैं या तो दुखी होंगी या फिर रिग्रेट फील करूंगी। लेकिन इन बच्चों को देख रहे हो, ये तुम्हारे दिए गिफ्ट्स देखकर कितने खुश हैं। और देखना, ये खुशी हमेशा इनके चेहरे पर बनी रहेगी, ये जब भी तुमसे मिलेंगे। ये कहकर वानी ने मुस्कुराते हुए एसआर की ओर देखा और फिर उन बच्चों के पास चली गई। वहीं वानी की बात सुनकर एसआर अपनी जगह पर हैरान खड़ा यही सोच रहा था कि आखिर ये लड़की है क्या। पल में शोला, पल में शबनम, आज उसने वानी का एक अलग ही रूप देखा था। उसने वानी की तरफ देखा जो बच्चों के साथ खुद बच्ची बनकर खेल रही थी। ये देखकर एसआर के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और फिर उसके कदम भी उस तरफ बढ़ चले और वो भी अपनी दिन भर की थकान भूलकर उन सब के साथ मस्ती करने लगा। कहां तो एसआर वानी पर अपना जादू चलाना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि जैसे वानी का जादू धीरे धीरे एसआर पर चलने लगा था। अगले दिन आहन अपने केबिन में बैठा कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था कि तभी वहां पर लीजा आई और अपने दोनों हाथों को टेबल पर पटकते हुए बोली, आहन ये आजकल चल क्या रहा है, क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे। लीजा को वहां देखकर आहन ने अपने हाथ में पकड़े डॉक्यूमेंट को बंद कर टेबल पर रखा और आराम से बोला, ये तुम किस बारे में बात कर रही हो लीजा। लीजा अपने दोनों हाथ बांध कर आहन को घूरते हुए बोली, तुम्हारे और शार्वी के बारे में, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच। तुम आजकल शार्वी के लिए कुछ ज्यादा ही कंसर्न नहीं दिखा रहे। तुम शायद भूल रही हो मैं तुम्हारा बॉस हूँ, आहन ने अपनी कड़क आवाज में कहा तो लीजा मुंह बनाते हुए बोली, भूल तुम रहे हो आहन कि तुम मेरे बॉस होने के साथ साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हो, इसलिए तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। चलो अब जल्दी बताओ। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम हैप्पी को कैसे जानती हो और तुम्हारे और उसके बीच क्या चल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम उसके साथ कुछ ज्यादा ही वक्त बिता रही हो। आहन की बात सुनते ही लीजा तुरंत हड़बड़ाते हुए बोली, अब मेरे और हैप्पी के बीच नहीं, कुछ भी तो नहीं, उन्होंने बस कई बार मेरी हेल्प की है, बस तब से ही हम अच्छे दोस्त हैं। अच्छा सिर्फ दोस्त, लेकिन तुम्हारी आंखों में तो दोस्ती से ज्यादा कुछ और ही दिखता है हैप्पी के लिए। तुम उसके साथ होती हो तो एक अलग ही खुशी होती है तुम्हारे चेहरे पर, आहन ने अपनी आईब्रो चकाते हुए पूछा तो लीजा ने अपनी पलकें झुका ली और फिर जमीन की ओर देखते हुए धीरे से बोली, ऐसा कुछ नहीं आहन, तुम तो मेरे और मेरे पास्ट के बारे में सब जानती ही हो। किसी के लिए फीलिंग्स, ये प्यार मेरी लाइफ में तो कुछ मायने ही नहीं रखते। अगर मैं आज यहाँ हूँ तो वो भी तुम्हारी वजह से, वरना। लीजा ने इतना कहा ही था कि तभी आहन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए अपनी गंभीर आवाज में बोला, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है लीजा, तुम्हें भी पूरा हक है अपनी जिंदगी जीने का, किसी से प्यार करने का। अगर कोई तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता है तो उसे तुमसे और तुम्हारे पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हर हाल में तुम्हारा साथ देगा, तुम जो हो जैसी हो वो तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट करेगा। मुझे लगता है कि अगर तुम हैप्पी को पसंद करते हो तो तुम्हें हैप्पी को अपने बारे में सब कुछ बता देना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी तुम इन चीजों को क्लियर करोगी तुम दोनों के लिए अच्छा होगा। आहन की बात सुनकर लीजा तुरंत बोली, लेकिन हैप्पी जी और मेरे बीच कुछ भी ऐसा नहीं है। ये तुम अपने दिल से खुद पूछो लीजा, क्या वाकई में तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है। वेल, मुझे अभी एक मीट के लिए निकलना है, तब तक तुम आराम से इस बारे में सोचो, मैं चलता हूँ।
ये कहकर आहान केबिन से बाहर निकल गया और पीछे छोड़ गया हैरान परेशान सी लीजा को, जो अब तक वहीं खड़ी अपनी फीलिंग्स के बारे में सोच रही थी। क्या मैं वाकई में हैप्पी जी से प्यार करने लगी हूँ या फिर ये बस एक अट्रैक्शन है? लेकिन अगर ये सच हुआ तो क्या हैप्पी जी मेरे पास्ट को जानने के बाद भी मुझे एक्सेप्ट करेंगे? लीजा खुद की फीलिंग्स को लेकर ही कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या उसे हैप्पी को अपने बारे में बता देना चाहिए? दूसरी तरफ आहान चार्वी के साथ एक मीटिंग के लिए बाहर आया हुआ था। मीटिंग खत्म होने के बाद आहान जैसे ही अपनी कार के पास आया, ड्राइवर ने झट से गाड़ी का डोर ओपन कर दिया। लेकिन आहान चार्वी के साथ कुछ टाइम अकेले बिताना चाहता था, इसलिए उसने खुद कार ड्राइव करने का फैसला किया और ड्राइवर और अपने बॉडीगार्ड्स को वापस जाने के लिए बोल दिया। और फिर वो चार्वी के साथ अकेले कार में बैठकर वहां से निकल गया। वहीं आहान की कार को ऑफिस के अपोजिट डायरेक्शन में जाते देख चार्वी ने आहान से पूछा, ये हम कहां जा रहे हैं? क्या हमें वापस ऑफिस नहीं जाना? नहीं, हम कहीं और जा रहे हैं जहां सिर्फ तुम और मैं हूं। आहान ने अपने एक हाथ में चार्वी का हाथ लेते हुए कहा और अपने दूसरे हाथ से स्टीयरिंग व्हील को संभालने लगा। चार्वी अपने होठों को गोल करते हुए एक्साइटेड होते हुए बोली, ओ मतलब आप मुझे डेट पर लेकर जा रहे हैं? तुम ऐसा सोच सकती हो, आहान ने हल्के से स्माइल करते हुए कहा और ड्राइविंग पर फोकस करने लगा। लेकिन कुछ दूर जाने पर आहान को एहसास हुआ कि उसकी कार के ब्रेक्स ठीक से काम नहीं कर रहे। ये देखकर आहान के माथे पर सलवटें आ गईं। इस वक्त आहान के चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही थी। कोई और वक्त होता तो शायद आहान इतना परेशान नहीं होता, लेकिन आज उसके साथ चार्वी भी थी और उसके बॉडीगार्ड्स भी उसके साथ नहीं थे। इस वक्त उसे अपनी फिक्र नहीं थी, लेकिन वो चार्वी को कुछ नहीं होने दे सकता था। वहीं अचानक से आहान को परेशान देख चार्वी ने उससे पूछा, क्या हुआ? आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? चार्वी की बात सुनकर आहान ने कुछ सोचा और फिर आराम से चार्वी को समझाते हुए बोला, देखो चार्वी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अब जो कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर बिल्कुल पैनिक मत होना और मेरी बात मानना, ओके? आहान को ऐसे सीरियस होते देख चार्वी तुरंत घबराते हुए बोली, लेकिन हुआ क्या है? आप मुझे डरा रहे हैं, जल्दी बताइए क्या बात है? चार्वी, मुझे लगता है कि हमारी गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए हैं। आहान ने जैसे ही ये कहा, चार्वी की आंखें डर से फैल गईं और वो घबराते हुए बोली, व्हाट? ब्रेक फेल? लेकिन कैसे? अब हम क्या करेंगे? चार्वी को ऐसे पैनिक करते देख आहान चार्वी को शांत कराते हुए बोला, कुछ नहीं होगा चार्वी, तुम बस मेरी बात ध्यान से सुनो। लेकिन देखो, मैं अभी गाड़ी की स्पीड कम करने की कोशिश करूंगा, फिर जैसे ही मैं तुमसे कहूं तुम तुरंत गाड़ी से बाहर कूद जाना, ओके? ये कहते हुए आहान ने अपनी कार एक कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ ली। वहीं आहान की बात सुनकर चार्वी डर गई और अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोली, और आप क्या कूदेंगे? नहीं, मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं कूद सकती, मैं नहीं कूदूंगी। अगर आपको कुछ हो गया तो चार्वी, बात समझने की कोशिश करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं भी गाड़ी से बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें बाहर निकालना जरूरी है, आहान ने चार्वी को समझाते हुए कहा। नहीं, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकती, चार्वी जिद करते हुए बोली। वो आहान की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी, तो आहान थोड़ी तेज आवाज में बोला, चार्वी जिद मत करो, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं होगा, हम दोनों एक साथ बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए पहले तुम कूदो। ये कहते हुए आहान गाड़ी की स्पीड कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। वो इस वक्त एक्सेलेटर को छोड़कर सिर्फ क्लच का इस्तेमाल कर रहा था और उसने कसकर स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा हुआ था। जैसे स्पीड थोड़ी सी कम हुई, आहान जोर से चिल्लाया, चार्वी अपनी सीट बेल्ट खोलो और जल्दी से बाहर कूदो, गो फास्ट, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी करो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, नहीं। लेकिन चार्वी इस वक्त आहान के लिए बहुत डरी हुई थी, इसलिए वो रोते हुए बार बार अपनी गर्दन ना में हिलाई जा रही थी। आहान ने जब देखा कि चार्वी उसकी बात नहीं सुन रही, तो उसने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील को संभाला और दूसरे हाथ से चार्वी की सीट बेल्ट अनलॉक्ड कर उसे गाड़ी से बाहर धक्का दे दिया। धक्का लगते ही चार्वी कार से लुढ़कते हुए रास्ते के किनारे जा पड़ी, जहां पर काफी घास फूस और झाड़ियां थी, जिससे उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी, लेकिन पैर में मोच आ गई और उसकी कोहनियां और घुटने बुरी तरह से छिल गए। वहीं चार्वी को कार से बाहर धक्का देने के बाद आहान ने भी काफी कोशिश की कि वो भी कार से बाहर निकल सके, लेकिन उससे पहले ही कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और वो सीधे जाकर एक बड़े से पेड़ से टकरा गई और पलट गई। आहान! ये देखते ही चार्वी जोर से चिल्लाई और अपनी चोट की परवाह किए बिना आहान की ओर भागी। वो आहान तक पहुंच पाती कि उससे पहले ही वहां पर 3 से 4 हट्टे कट्टे गुंडे आ गए। उनमें से एक गुंडा अपने साथी से बोला, ए देख तो जरा, साला मरा है अभी भी जिंदा है,
निकाल उसे बाहर। उस गुंडे की बात सुनकर दूसरा गुंडा आगे बढ़ा और आहान को बुरी तरह से गाड़ी से खींचकर बाहर निकालने लगा। आहान इस वक्त बहुत ज्यादा जख्मी था और बेहोशी की हालत में था। स्टीयरिंग व्हील से टकरा जाने के कारण उसके सर से बहुत ज्यादा खून बह चुका था। गाड़ी के एयरबैग्स भी ओपन हो चुके थे, लेकिन आहान के सर पर इस समय काफी चोट आ चुकी थी क्योंकि उसकी गाड़ी पेड़ से टकराने के बाद काफी बार पलट चुकी थी। ए, चेक तो कर, सांस चल रही है इसकी या मर गया, पहले वाले गुंडे ने कहा। तो उसका एक साथी आहान को चेक करते हुए बोला, बॉस जिंदा है अभी, लेकिन इसकी हालत देखकर लगता नहीं है कि ज्यादा देर जिंदा रह पाएगा। तो ये काम अभी कर देते हैं ना, बाद में अपुन को कोई लफड़ा नहीं मांगता है। तुझे पता है ना, अपुन अपना सारा काम बड़ी सफाई से करता है, वो गुंडा बोला और आहान को मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी शार्वी वहां भागते हुए आई और आहान को उनकी पकड़ से छुड़वाते हुए बोली, ए, क्या कर रहे हो, छोड़ो उन्हें। आहान, आहान क्या हुआ तुम्हें, आंखें खोलो आहान प्लीज। शार्वी को वहां देख उनमें से एक गुंडा बोला, क्या बात है, इसके साथ तो इसका माल भी है। ए, इसको मेरे लिए छोड़ो और तुम सब लोग जाओ यहां से, इसको तो मैं देखता हूं। ये कहकर उन गुंडों का बॉस बेशर्मी से मुस्कुराया और शार्वी की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर शार्वी घबरा कर पीछे होने लगी और जोर जोर से आहान को पुकारने लगी, नो नो, पास मत आना, पास मत आना मेरे, दूर दूर रहो प्लीज, हेल्प हेल्प प्लीज, कोई मदद करो आहान। यहाँ तेरी मदद करने कोई नहीं आने वाला, और तेरा ये आशिक तो पहले ही मरने की हालत में, या यूं कहो कि अब तक तो मर चुका होगा। ये कहकर वो गुंडा हंसा और शार्वी को पकड़ने के लिए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगा, लेकिन वो इससे पहले शार्वी को छू पाता किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़कर बुरी तरह मरोड़ दिया। वो गुंडा चीखते हुए पीछे मुड़ा तो उसके पीछे आहान था, जो शार्वी की चीख सुनकर थोड़ा होश में आ गया था और किसी तरह अपनी आंखों को खोले वहां खड़ा था। वो गुंडा आहान को मार पाता इससे पहले आहान ने उसका दूसरा हाथ भी मरोड़ते हुए तोड़ दिया, जिससे वो गुंडा चीखते हुए जमीन पर बैठ गया। आहान को होश में देखकर शार्वी रोते हुए आहान से लिपट गई। तभी दूसरा गुंडा आहान को मारने के लिए आगे बढ़ा तो आहान ने शार्वी को अपने पीछे किया और उन गुंडों से भिड़ने लगा। आहान बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद भी उन गुंडों से अकेले लड़ रहा था। तभी एक गुंडे ने पीछे से आकर आहान को एक जोर की लात मारी, जिससे आहान संभल नहीं पाया और जमीन पर जा गिरा, और वो गुंडा बुरी तरह से आहान को हॉकी से मारने लगा। वो जानबूझकर आहान को उन्हीं जगह पर चोट पहुंचा रहा था जहां पहले से आहान को बहुत ज्यादा चोटें लगी हुई थी और उनसे लगातार खून आ रहा था। इस समय आहान काफी दर्द में था और ये देखकर शार्वी बीच में आते हुए बोली, प्लीज मत मारो उन्हें, चोटो ने। ये देखकर वो गुंडा शार्वी की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी आहान ने उसका पैर पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया और उसकी गर्दन को पकड़कर मरोड़ दिया, जिससे उस गुंडे ने छटपटाते हुए वहीं दम तोड़ दिया। लेकिन आहान की हालत इस वक्त बहुत खराब थी, पहले एक्सीडेंट और फिर उन गुंडों से लड़ने की वजह से उसका बहुत ज्यादा खून बह गया था, जिस वजह से उसे चक्कर भी आ रहा था और वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इस समय आहान के हाथ में एक धारदार हथियार था और वो उन गुंडों को चुनौती देते हुए चिल्ला रहा था, हिम्मत है किसी में तो हाथ लगा के दिखाओ इसे, एक एक को काट डालूंगा। वहीं आहान के इस ललकार को सुनकर वो सारे गुंडे पल भर में वहां से गायब हो गए। इधर शार्वी आहान को संभालते हुए बोली, आहान आप ठीक तो है ना, आहान आहान प्लीज आंखें खोलो ना अपनी आहान प्लीज। शार्वी आहान का सिर अपनी गोदी में रखकर उसके बालों को थपथपाते हुए बोली, लेकिन आहान के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। ये देखकर शार्वी बहुत ज्यादा डर गई, उसके हाथ और कपड़े इस वक्त आहान के खून से पूरी तरह से रंग चुके थे। उसने तुरंत अपना दुपट्टा अपने गले से निकालकर आहान के सिर पर कसकर बांध दिया ताकि खून ज्यादा ना बहे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वहीं दूर दूर तक उसे कोई उसकी हेल्प के लिए नजर नहीं आ रहा था। वो आहान का सर अपनी गोद में रखकर रोए जा रही थी कि तभी उसके सामने एक काले रंग की कार आकर रुकी और उसमें से एक शख्स बाहर निकला। शार्वी को जैसे ही किसी के वहां आने का एहसास हुआ तो उसने अपनी भारी आंखों से उस शख्स की ओर देखा और चौंकते हुए बोली, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं वो थैंक्स बटन को प्रेस कर मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है।
एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। I'm a